السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ले मिन कराम मज़े साथियों और दोस्तों सुर जुखरुफ़ की आयत है जो मैंने आपके सामने तिलावत की है अल्लाह रबालमीन ने इस आयत करीमा में शाद फरमाया है कि और अगर ये बात ना होती कि तमाम लोग एक ही तरीके पर हो जाएंगे तो रहमान के साथ कुफ्र करने वालों के घरों की छतों को हम चांदी की बना देते और जीनों को यानि सीढ़ियों को भी जिन पर चढ़ा करते हैं और उनके घरों के दरवाज़े और तख्त भी जिन पर वो तकिया लगा लगा कर बैठते हैं यह आलमीन ने सूरह जखरूफ़ में फरमाया है अल्लामा अल्लाह अब्दुररम सादी और रम्ह ने फरमाया कि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बता रहा है कि उसकी निगाह में दुनिया की कोई हैसियत नहीं है अगर अल्लाह ताला का अपने बंदों पर लुत्फ व करम ना होता जिसके ऊपर कोई चीज़ नहीं हो सकती तो काफिरों के लिए दुनिया को इंतहाई वसी कर देता कुशादा कर देता और जरूर बना देता जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है ले सुकुफम मिन फिददति व मारिज अलैहा यजहरून कि घरों की छतों को हम चांदी की बना देते और ज़ीनों को भी जिन पर वो चढ़ा करते हैं और वले बियूतहिम अबवाबम व सुररन अलैहा यत्तकून और उनके घरों के दरवाजे और तख्त भी जिन पर वो तकिया लगाकर बैठते हैं तो यहां पर अल्लाह रब्लम ने साफ तौर पर इस बात का दे दिया कि उसकी निगाह में दुनिया की कोई हैसियत है ही नहीं है यानी काफिरों के लिए उनकी दुनिया को अल्लाह रब्लम मुख्तलिफ तरीकों से सजा देता है संवार देता है लेकिन बंदों पर अल्लाह के रहमत ने उसे ऐसा करने से इसलिए रोक दिया गया कि लोगों के बारे में खतरा हो गया कि कहीं वो कुफ़्र का शिकार ना हो जाए काफिरों के लिए अल्लाह ताला ने खूब दुनिया को सजाया खूब सवारा, खूब उन्हें दुनिया में दी लेकिन मोमिनों के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि देखो यहाँ पर यह ख़तरा है कि कहीं तुम्हारे लिए चीज़ें हो जाएं, तो इस बात का ख़तरा है कि अंदेशा है कि कहीं कुफ़्र के शिकार ना हो जाओ और दुनिया की महब्बत की वजह से वो बहुत ज़्यादा गुनाह ना करने लगें और इस हमत में ये दलील है कि अल्लाह रब्लम लोगों के भले के लिए उन्हें बाज़ दुनियावी फ़ायदों से महरूम रखता है अल्लाह ताला ऐसी किसी चीज़ से आपको महरूम नहीं करता है खास तौर से मोमिनों को अगर अल्लाह ताला किसी चीज़ से महरूम कर देता है तो आप ये बात समझ लें कि यहाँ अल्लाह रब्लम की कोई हमत है कोई मसलहत है जिसकी वजह से अल्लाह तीज़ से महरूम रखा है और ख़ास ख़ास लोगों को अल्लाह ताला महरूम रख देता है और महरूम कर देता है और ये कि सारी दुनिया अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर इस आयत में ज़िक्र की गई है या इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं दुनिया की साजो सामान है और माल और दौलत है इस सारी चीज़ें जो है ये ख़ुशी को रोकती है और मिजाज को परेशान करने वाली चीज़ें होती हैं और ये सारी की सारी चीज़ें जो दुनिया में तुम देख रहे हो दुनिया में जितनी चीज़ें मौजूद हैं और हैं ये सारी की सारी चीज़ें खत्म हो जाने वाली हैं मिट जाने वाली है कोई चीज़ बाकी रहने वाली नहीं है लेकिन आखिरत में अल्लाह आलमीन के यहाँ मुत्तकियों के लिए परहेजगारों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ अल्लाह ताला ने तैयार करके रखी है और जो उसके हकाम को मानते हैं जो उसके ममनुआ कामों से दूर रहते हैं इसलिए कि आखरत की नमतें हर एतबार से कामिल हैं मुकम्मल है लेकिन दुनिया में कोई चीज़ कामिल और मकम्मल नहीं हो सकती हैं दुनिया की जितनी भी साजो सामान है, जितनी भी चीज़ें आपको नजर आ रही हैं सब को फना हो जाना है ख़त्म हो जाना है अल्लाह तला ने कुर करीम में फरमाया कुल मन फन हर चीज़ को फना होना है और ख़त्म हो जाना है तो अल्लाह रब्बुल रबुलमी ने इसलिए कहा कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी दुनिया में चाहे किसी को कोई नेमत मिली हो या दुनिया में किसी को चाहे कोई नेमत ना मिली हो और मोमिनों को अगर कोई नेमत नहीं मिली है कोई चीज़ नहीं मिली है तो उसे घबराना नहीं चाहिए परेशान नहीं होना चाहिए उसको समझना चाहिए कि इसमें अल्लाह की हिकमत है मसलाहत है और इस हमत व मसलाहत के तहत अल्लाह रब्बुल रब्लम ने हमें ये चीज़ अता नहीं की है इसीलिए आप ये जान लें कि जन्नत में वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो इंसान की ख्वाहिश होगी जो कुछ वो चाहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको वहाँ अता करेगा और देगा और आंखों की ठंडक भी होगी और अहले जन्नत जो होंगे मोमिन जो जन्नत में जाएंगे हमेशा हमेश उस जन्नत में रहेंगे अब आप तस्वर करें कि दुनिया की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी में कितना अजीम फर्क है दुनिया की जिंदगी जो है फना है खत्म हो जाने वाली है एक न एक दिन यहां से सबको चले जाना है हर शे फना है लेकिन आखिरत की जिंदगी फना होने वाली नहीं है खत्म होने वाली नहीं है वहां पर आप जो, जो दुनिया से गया और आखरत में चला गया तो वहां जाने के बाद उसका जो भी फैसला हो जन्नत का या जहन्नम का अबाद की जिंदगी है हमेशा हमेश की जिंदगी है उसको वहां से नहीं जाएगा, और वहां उसको मौत भी नहीं आएगी तो आप तस्वर करें कितना कि बड़ा फर्क है अजीम फर्क है दुनिया की जिंदगी में और आखरत की जिंदगी में ये जो आयत मैंने आपके सामने सूर्य जुखरूफ की पड़ी है इसके मुख्तलिफायद हैं और उन्हीं फायदों को मैं आपके सामने जिक्र करके बात को खत्म करूंगा सबसे बड़ा फायदा और पहला फायदा यह है कि अल्लाह ताला काफिरों को जो दुनिया की नेमतें अता करता है और देता है इसलिए इसलिए है कि अल्लाह के नजदीक ये दुनिया बेवजन है हकीर है और यह काफिरों के लिए आजमाइश है तो दुनिया की हैसियत अल्लाह आलमीन के नजदीक कुछ भी नहीं है इसलिए अल्लाह ताला काफिरों को दुनिया में बहुत सारी चीजों को दे देता है और वो इस दुनिया में रह करके बहुत सारी चीज़ों से फायदा उठाते हैं मोमिनों को भी मिलता है लेकिन मोमिनों के लिए दुनिया में भी है और आखिरत में भी है और काफिरों के लिए आखिरत में कुछ नहीं है अल्लाह ताला ने सुर अहताफ में बयान फरमाया है कहा

तो गोया कि काफिरों को वहां जहन्नम पर लाया जाएगा और यह बात उनसे कही जाएगी कि देखो तुमने अपनी नेकिया दुनिया में बर्बाद कर ली खत्म कर ली और तुम उनसे दुनिया में फायदा उठा चुके दुनिया में बहुत सारे कुफार हैं बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में अच्छे काम करते हैं नेक काम करते हैं आप देखें बड़े बड़े काम लोग करते हैं सदका और खैरात का और लोगों के जो है साथ एहसान करते हैं और बड़े बड़े काम अंजाम देते हैं तो अल्लाह तला उनको उसका बदला दुनिया में देता है अदा करता है लेकिन आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है इसलिए फिर उनसे कहा जाएगा कि आज तुम्हें जिल्लत के आजाब की सजा दी जाएगी इस बायस कि तुम जमीन में नाहक तकबर किया करते थे घमंड किया करते थे और इस बायस भी कि तुम हुक्म अदूली क्या करते थे अल्लाह और रसूल की बातों को नहीं मानते थे इसलिए भी अल्लाह ताला तुम्हें यहां जहन्नम में डालेगा और जहन्नम के सिरे पर ला करके उससे ये बात कही जाएगी तो इससे तो ये बात फायदा ये पता चला कि अल्लाह रब्बुल रब्बुलमी के नजदीक दुनिया में जो लोग दुनिया को ही सब कुछ समझते हैं, वो समझ ले इस बात को कि दुनिया ही सब कुछ नहीं है, दुनिया फानी है, आखरत की जिंदगी है जो बाकी रहने वाली है और हमेशा रहेगी। हजरत यानस بن مالك رضي الله تعالى عنه बयार करते हैं कि अल्लाह के رسول صل الله وعليه وسلم ने फरमाया, इन्ना الله لا يظلم مؤمنا حسنة يُعطى بها في الدنيا ويُجزى بها في الآخرة

जर्रा बराबर भी अगर आपने नेकी की है तो वो भी आपको अता किया जाएगा और दिया जाएगा उसके बदले उसे दुनिया में भी अता करता है और आखिरत में भी उसकी जसा दी जाएगी यानी अगर मोमिन है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नेकी का बदला दुनिया में भी, भी देगा और आखिरत में भी अल्लाह ताला उसको उसका बदला अता फरमाएगा रहा काफिर का मामला उसे नेकियों के बदले जो कुछ उसने दुनिया में किया है या अल्लाह के लिए उसने की होती है रब के लिए की होती है उसे दुनिया में ही खिला दिया जाता है उसे दुनिया में उसको उसको दे दिया जाता है उसका बदला अता कर दिया जाता है हत्ता कि जब वो आखिरत पे पहुंचता है जब वो दुनिया से चला जाता है तो उसके पास कोई ऐसी नेकी बाकी नहीं होती जिसकी उसको जजा दी जाए जिसकी उसको बदला दिया जाए तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों को दुनिया में भी बदला देता है और आखरत में भी बदला देगा उसकी नेकी के बदल जो है एवज और अगर काफिर रहा उसने अगर दुनिया में नेकी की है तो उसको दुनिया में उसकी नेकी का बदला मिल जाएगा लेकिन आखरत में उसका कोई हिस्सा उसको नहीं मिलेगा और नहीं अल्लाह आलमीन वहां देगा इसी तरह से सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तन नबी करीम सल्लाम के पास ऊपर में बाला खाने में गए और जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से नाराज होकर खलबत में रह रहे थे खलबत में यानी तनहाई में बैठे हुए थे रहे रह रहे थे तो आपने देखा यानी हजरत उमर बिन खत्ताब ने क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर पर आपके जिसम मुबारक पर चटाई के निशान बने हुए यानी आप चटाई पर लेटे हुए थे तो बेसाख्ता हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ने जो है देखा तो आपकी आंखों से आंसू बरसने लगे और अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किसरा और जो किसरा और कैसर के बादशाह कैसे मजे में हैं बड़ी बड़ी सल्तनतों के मालिक हैं ये और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मखलूक में सबसे बुलंद मुकाम पर आप हैं सबसे ऊंचा मुकाम आपको अता किया गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े हैं और सबसे आला अखलाक के मालिक हैं

फिलहत कहा रसूल ने अयताब के बेटे क्या भी तुम्हें कुछ शुभाएं ये तो ऐसे लोग हैं कि उनके अच्छे अमाल इसी दुनिया में उनको दे दिए गए हैं यानी उन्होंने जो कुछ काम किया था अच्छा काम किया उसके बदले अल्लाह ने उनको दुनिया दे दी दौलत दे दी बादशाहत दे दी हुकूमत दे दी और बड़े बड़े पोस्टों पर उनको फायज कर दिया तो दुनिया में उन्होंने कुछ किया अल्लाह ने दुनिया में उनको बदला दे दिया और एक में कि अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया कि तुम उस पर खुश नहीं हो कि उनको दुनिया में हिस्सा दिया गया है और हमारे हिस्से में आखिरत है तो मालूम यह हुआ कि दुनिया में अगर कोई नेकी करता है तो मोमिन अगर है तो दुनिया और आखरत दोनों में उसको उसका बदला मिलेगा और अगर काफिर है तो दुनिया में अगर करता है तो उसको दुनिया में उसको बदला मिलेगा मालो दौलत मिलेगी मनसब मिलेगा कुर्सी मिलेगी लेकिन आखरत में उसका उसका कोई हिस्सा नहीं होगा मरने के बाद उसके, उसके, उसके पास कोई नेकी नहीं होगी तो ये पहला फायदा हुआ दूसरा फायदा यह है कि बहुत सारी नेमतें और मालो दौलत जो अल्लाह रब्बालमीन अपने बंदे को देता है ये उसकी मोहब्बत की दलील नहीं है आप तसवर करें बहुत सारी नमतें अल्लाह ताला की हैं बहुत सारी नमतें मालो दौलत हैं लेकिन अल्लाह रबालमीन जिस बंदे को दे देता है इसका हरियज मतलब नहीं कि अल्लाह उससे बहुत मोहब्बत करता है बहुत सारे लोग ये तसवर करते हैं और ये अपने जहन व दिमाग में रखते हैं कि अगर अल्लाह उसको नहीं मानता अल्लाह उसको उससे मोहब्बत नहीं होती तो अल्लाह इसको इतनी दौलत क्यों देता इतना बड़ा मालदार क्यों होता इतनी दौलत उसको क्यों मिलती है इतना उसकी तिजारत कैसे चलती है इतना उसके पास ये 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 सारी चीजें मौजूद है ये कोई मोहब्बत की दलील नहीं है जो इंसान समझता है बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया आयह सबुन अन्नमा नुमिद्दहुम बिही मिन बहय मिन माल व मिन माल व बनिन में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि क्या ये यूं ही समझ बैठे है? कि हम जो भी उनके माल को और उनकी औलाद को बढ़ा रहे हैं ज़्यादा कर रहे हैं वो उनके भलाइयों में जल्दी कर रहे हैं नहीं बल्कि ये समझते ही नहीं हैं ये मामला नहीं है कि अल्लाह ताला उनको जो भलाई दे रहा है जो अल्लाह ताला उनके माल और औलाद में बढ़ोतरी कर रहा है इजाफा कर रहा है उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है अल्लाह ने कहा यह समझते ही नहीं है ऐसा मामला हरगिज नहीं है

पसंद करता है यानी जो चीज वो पसंद करता है अल्लाह ताला दुनिया में उसको वो अता कर देता है और दे देता है और बंदा नाफरमानियों पर कायम है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ढील है तो इससे ये पता चला कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को कोई चीज अता करता है और उसके बावजूद भी वो नाफरमानिया करता है गुनाह करता है गलत काम करता है उसके बावजूद भी उसको माल मिलता है दौलत मिलती है बड़े बड़े तिजारत में कारोबार में कामयाब है वो तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसको देता है और वो नाफरमानी करता है तो ये अल्लाह की तरफ से ढील दी गई है कि जो कुछ दुनिया में करना है कर लो जो कुछ दुनिया में कमाना है कमा लो और ये याद रखो कि एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह की पकड़ आज आएगी अल्लाह ताला ने इसलिए कुरान में में कहा है 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 दिन तो जरूर जरूर देता हूं। लेकिन ये याद रखो कि रस्सी का जो सिरा है, वो मेरे हाथ अल्लाह अल्लाह ताला ताला की पकड़ बहुत मजबूत है। एक ना एक पकडेगा और गिरफ्त में अल्लाह के आओगे अल्लाह सूरह सुर में फरमाया है हम फईदबोन फरमाया अल्लाह ताला ने फिर जब वो लोग उन चीजों को भूले रहे जिनको उनको नसीहत की जाती थी तो हमने उन पर हर चीज के दरवाजे कुशादा कर दिए खोल दिए अल्लाह ताला ने मजीद खोल दिया नसीहत की जाती थी लेकिन उसके बावजूद वो नहीं सुनते थे नहीं मानते थे नहीं कान धरते थे इधर से सुनते थे इधर से निकाल देते थे अल्लाह तवजूद उनके ऊपर दरवाजों को कुशादा कर दिया खोल दिया यहां तक कि जब उन चीजों पर जो उनको मिली थी वो खूब इतरा गए जाहिर सी बात है जब इंसान के पास मालो दौलत आएगी मजीद उसमें तरक्की होगी तो उसमें तकबर बढ़ेगा अनानियत बढ़ेगी इतराने लगेगा किसी की नहीं सुनेगा और जैसा चाहेगा वैसा करेगा वो तो गुनाह पर गुनाह करता जाता है ना फरमानी पर ना फरमानी करता है उसी पर तुला रहता है तो अल्लाह तला ने कहा कि हमने उसको दफआतन पकड़ लिया अचानक हमने उसको पकड़ लिया गिरफ्तार कर लिया लाकर अल्लाह ताला फरमाता है फिर तो वो बिल्कुल वो मायूस हो गया तो मालूम है हुआ कि जब अल्लाह की पकड़ आती है अगर चाहे उसके पास सब कुछ है दुनिया की सारी आसाइश है सारे मनसब हैं सारी जो है सारी चीजें मौजूद हैं लेकिन अल्लाह ताला जब तक उसको छोड़ देता है और उसको ढील दे रखा है ठीक है लेकिन एक ना एक दिन आएगा अल्लाह ताला उसको गिरफ्तार करेगा पकड़ करेगा और जब अल्लाह की गिरफ्त में आ जाएगा तो मायूसी के अलावा उसके हाथ में कुछ नहीं होगा सारी चीज खत्म हो जाएगी तो यह दूसरा फायदा हुआ तीसरा फायदा यह है इसमें इस आयत में आए जो है आखिरत की तरगीब है और दुनिया से बेरगबती है आखिरत में तरगीब दी आखिरत की तरगीब है कि देखो आखिरत की तैयारी करो दुनिया फानी है इससे दूर रहो दुनिया

को आरइश दुनिया की दे रखी है ताकि उन्हें उसमें आजमा ले तेरे रब का दिया हुआ ही बहुत बेहतर और बाकी रहने वाला है देखिए अल्लाह रब्बुल रबीन ने इस आयत में इस बात की तरफ तो दिलाई कि देखो जिन चीजों को हम, हमने जिन लोगों को दे रखा है बहुत सारी आसाइश की चीजें आराम की चीजें बहुत सारी चीजें हमने अता कर रखी हो दे रखी है तो उनको तरफ उनकी तरफ मत देखो ये ना देखो कि वो बहुत आराम में और आसाइश में है वो आजमाइश में है अल्लाह ताला उनको आजमाएगा और आजमाइश के तौर पर अल्लाह ने उनको दे रखा है और अल्लाह ताला ने ये भी कह दिया कि तेरे रब का दिया हुआ बहुत बेहतर चीज है और बहुत बाकी रहने वाला है आपको जो कुछ अल्लाह ने अदा कर रखा है जो दे रखा है वही आपके लिए काफी है और उसी पर आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए तो एक बहुत बड़ी चीज है कि इंसान को दुनिया से जो है बेरगबत होना चाहिए आखरत की तैयारी करना चाहिए दुनिया एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, है दुनिया एक ऐसी चीज है जिसमें तुम ऐसे रहो कि जैसे एक अजनबी हो जैसे एक राह चलते हुए मुसाफिर हो इस तरह से रहो अगर इस दुनिया में तुम इस तरह से रहोगे तो यकीन मानो तुम्हें इस बात के जो है तवज्जो होगी कि हम इसकी तैयारी करें कि एक दिन एक दिन हमें दुनिया से जाना है और फरा होना है और हजरत अब मरन यह भी कहा कि इजा अमसैता फला तन सबा जब शाम कर लो तो सुबह का इंतजार मत करो वही फला तन मसा और जब सुबह कर लो तो शाम का इंतजार मत करो तो मालूम यह हुआ कि यह दुनिया एक ऐसी चीज है कि कब खत्म हो जाए कब आंख बंद हो जाए किसी को पता नहीं है पानी का बुलबुला है कब फूट जाए और आप देख ही रहे दुनिया में कैसे कैसे लोग दुनिया में बड़े से बड़े ताकतवर से ताकतवर लोग कमज़ोर से कमज़ोर लोग बड़े बड़े दुआत मुबलगिन ऐसे हैं जो दुनिया में आए और सब दुनिया से रुसत हो गए जो मोमिन थे उनके लिए आखिरत में अल्लाह रबालमिन ने हिस्सा रखा है और जो काफ़ी वमशरक थे अल्लाह रब्लम के दुनिया में जो है जाने से बात वो वहाँ उनको मायूसी होगी और अल्लाह तलाको उसका बदला देगा चूंकि दुनिया में उन्होंने जो है नाफरमानी की थी तो बहरहाल ये दुनिया बेरगबत ऐसी चीज़ है कि इंसान को बेरगबती अख्तियार करनी चाहिए तो इंसान उतना हासिल करे उतना दुनिया में रहे जितना अल्लाह तक अता करता देता है और उसके बाद अल्लाह ताला उसको उसी में खुश रखे अल्लाह ताला उसी में उसको बरकत देता है चौथा फ़ायदा इस आयत में यह है कि इसमें दुनिया की हकारत और अल्लाह के यहाँ बेक़ीमत होने का सबूत है

तो वो किसी काफिर को इसमें से एक घूट पानी भी ना पिलाता अल्लाह अकबर जिस दुनिया के लिए इंसान मरता है जिस दुनिया के लिए इंसान जो है निन्यानवे के फेर में लगा रहता है हलाल और हराम की तमीज नहीं करता है और सोचता है कि यही दुनिया सब कुछ है मरना नहीं है जो चाहो जैसा चाहो रहो अपनी जवानी अपने बुढ़ापे अपने बचपने को जैसा चाहो गुजारो हरगिज नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये दुनिया एक ऐसी चीज है और एक ऐसी अल्लाह रबुल आरमीन के नजदीक के रसूल फरमाते हैं कि दुनिया की वक़ात अल्लाह के नजदीक इतना है कि मच्छर के पार के बना उतना भी नहीं है और कहा कि अगर इतना भी हो जाता अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की हैसियत और वक़ात तो अल्लाह तलाफिरों को दुनिया में एक घोट पानी भी नहीं पिलाता तो अजीज साथी और दोस्तों ये है दुनिया की हैसियत और वक़ात हजरत बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल की रवायत, एक रवायत है मैं उसका आपके सामने पेश कर देता हूँ फरमायालम है है कहते हैं कि बेशक अल्लाह के कि रसूल किसी बालाई जानब से दाखिल होते हुए बाजार से गुजरे ऊपरी हिस्से से आज जा रहे थे और जाते जाते आप बाजार में जा रहे थे बाजार से गुजरे आप

तुम में से कौन है मुखातब होकर तुम में से कौन है अल्लाह के, के रसूल कान से उठाते हैं साहबा से मुखातब होते हैं और कहते हैं कि कोई है जो एक द्रह के बदले इसको खरीद सकता है इसको ले सकता है साहब के राम रिजवान तमीन ने, ने कहा हमें ये किसी भी चीज के एवज

अगर ये जिंदा होता तो तब भी इसमें आयब था इसका कान छोटा था और कोई ना कोई आयब था जिसकी वजह साहब ने अल्लाह कर अगर करिए मर गया तो हम लेना पसंद नहीं करेंगे अगर ये जिंदा होता तब भी हम इसको नहीं लेते और इसको लेना पसंद नहीं करते ये हकीर कानों वाला है यानी छोटे कानों वाला है इसकी कोई हैसियत नहीं है जब वो मुर्दा है तो किस काम का जिंदा में ना लेते और ये मर गया तो अब हम इसको क्यों लें तो उस पर आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम जितना तुम्हारे नजदीक ये हकीर है अल्लाह के नज़दीक दुनिया इससे भी ज्यादा हकीर है तुम बकरी के बच्चे को जैसे मरे हुए बकरी के बच्चे को हकीर समझते हो दुनिया अल्लाह के नज़दीक इससे कहीं ज्यादा हकीर है अब आप तस्वर करें इस दुनिया के लिए इंसान जो मरता है और न जाने क्या क्या गुल खिलाता है इस दुनिया में रह करके आप तस्वर करें कि दुनिया की कितनी कीमत है कितनी वक़ात है अल्लाह रब्बुल रबी के नजदीक पहली हदीस में कहा गया कि मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह के नजदीक इसकी हैसियत नहीं है और दूसरी उस मैमना जो बकरी का बच्चा मर गया था उससे भी ज्यादा कम अल्लाह ताला के नजदीक इस दुनिया की हकीकत है और अल्लाह ताला उससे कम तर है जो है इस दुनिया की जो हकीकत है, है, है तो आप तस्वर करें कि दुनिया की कितनी हैसियत है हजरत मुस्तौरिद बिन शद्दात फहरी

अपनी एक उंगली यानी बाबा उंगली यानी शहादत की उंगली को जो है समुंदर में डाले यही ने यानी रावी ने क्या है अपनी शहादत की उंगली की तरफ इशारा किया फिर देखे वो उंगली उसमें से क्या निकाल कर लाती है अब आप पानी में अपनी उंगली को डालें और वो समुंदर में डालें और उसके बाद अपनी उंगली को निकालें तो उस उंगली में पानी में क्या लगा रहेगा आपकी उंगली में एक कतरा पानी भी नहीं आएगा बल्कि वो मुमकिन है कि भीग जाए उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है तो के रसूल क्या फरमाया कि आखरत के मुकाबले में दुनिया की हैसियत इससे ज्यादा नहीं है अब आप तस्वर करें कि ये दुनिया की हैसियत है सैदर बिन फरमाते हैं अगर किसी बंदे को अव्वल से आखिर तक सारी दुनिया दे दी जाए अव्वल से आखिर तक सारी दुनिया का मालिक बना दिया जाए फिर उसे मौत आ जाए तो उसका हाल ऐसा होगा जैसे किसी ने खुशियों भरा ख्वाब देखा फिर उसको जाग आ गई यानी उसकी आंख खुल गई अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा एक आदमी जैसे ख्वाब देखता है और ख्वाब में वो बड़े बड़े ख्वाब देखता है कि मैं पूरी दुनिया का मालिक हूं बादशाह हूं और मेरी मैं ही इसका मालिक हूं जैसा चाहूं वैसा चलाओ रात में नींद में सोया हुआ और ख्वाब देख रहा है और उसके बाद अचानक आंख खुली और उसके बाद उसके हाथ में कुछ नहीं पता लगा जहां था वहीं पर मौजूद है बिस्तर पर पड़ा हुआ है

आपकी आंख जो है अगर बंद हो जाती है जिंदगी में आप बंद करके देखते हैं तो कोई चीज सामने नजर नहीं आती है तो मरने के बाद क्या रह जाएगी एक नेक आदमी ने इसलिए कहा कि आखरत की नियमतों के मुकाबले में सारी की सारी दुनिया के पहाड़ के मुकाबले में एक जर्रे से कम है यानी आखरत की नियमतों के मुकाबले में पूरी दुनिया जो है अगर आपको मिल जाए तो कहते हैं कि जर्रा के बराबर जर्रा से भी कम है कोई हैसियत नहीं दुनिया की है जो आखरत की नेमतें आपको मिलेंगी और अता की जाएंगी इमाम कईम रहमुल्ला ने कहा जिस शख्स ने दुनिया और आखरत को गहरी निगाह से देखा उसने जान लिया कि मामला ऐसे ही है यानी दुनिया की कोई हैसियत नहीं है और आखरत ही बाकी रहने वाली है और कोई चीज बाकी रहने वाली नहीं है सबको एक दिन फना होना है और ख़त्म हो जाना है इस आयत का पांचवा फायदा यह है कि अल्लाह रबालमीन अपने मोमिन बंदे को दुनिया की बाज नेमतों से महरूम कर देता है ताकि क्यामत के रोज अल्लाह ताला के उसको ऊंचा ऊंचा मुकाम मिल सके और ऊंचा मुकाम मिल जाए यह भी आपके जहन में होना चाहिए बहुत सारे भाई हमारे शिकायत करते हैं और बहुत सारे भाई शिकवा करते हैं अल्लाह ताला से कहते हैं कि जो है मुझे फला चीज नहीं मिली मैं इतनी मेहनत करता हूँ इतनी मशक्कत करता हूँ मैं हाथ पैर मारता हूं, उसके बावजूद भी मेरे पास ये चीज नहीं मौजूद है सब कुछ है लेकिन ये नहीं है आप ये जान लीजिए अगर कोई नेमत दुनिया में आपको नहीं मिली है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको उस नेमत से मुमकिन है जानबूझ के महरूम कर रखा हो उसमें कोई हिकमत हो कोई मसलाहत हो और उसका बदला अल्लाह तला आपको कयामत के दिन देगा अल्लाह तला आपको आखिरत में देगा ऊंचा मुकाम अता फरमाएगा ऊंचा मुकाम मिलेगा इसलिए इंसान को ऐसी चीजों से घबराना नहीं चाहिए यह कि अल्लाह तला ने नहीं दिया मुझे तो आप शिकवा करते फिरें शिकायत करते फिरें

अल्लाह अपने मोमिन बंदों को इस दुनिया से बचाता है दुनिया बड़ी जगह है बड़ी, 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 बड़ी परेशानियां बड़े बड़े हैं अल्लाह मोमिन बंदों को इससे बचाता है दुनिया में और उसकी मिसाल भी दी अल्लाह के रसूल ने कहा जैसे तुम अपने मरीज की हिफाजत करते हो कि उसके खाने की उसके पीने से खौफ आता है कि कोई चीज खा लेगा तो मरीज मर्ज बढ़ जाएगा पी लेगा तो मर्ज बढ़ जाएगा ये कर लेगा तो मर्ज बढ़ जाएगा उसके बाद उसके घर वाले उसकी हिफाजत करते हैं निगरानी करते हैं जैसे शुगर का पेशेंट है तो मिठाई नहीं खाने देंगे चावल नहीं खाने देंगे कोई और चीज़ नहीं खाने देंगे ताकि उसका बर्ज उसका शुक्र जो है उसके शुगर में इजाफा ना हो जाए ब्लड प्रेशर है तो नमक नहीं खाने देंगे कहीं ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए तो इस तरह से जब दुनिया में तुम अपने मरीज की हिफाजत करते हो तो अल्लाह रबालमीन इसी तरह से अपने मोमिन बंदों की हिफाजत दुनिया में करता है और इस दुनिया से अल्लाह ताला मोमिन बंदों को बचाता है और अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है तो जी साथियों और दोस्तों ये हमें सोच लेना चाहिए कि अगर कोई नेमत हमें नहीं मिलती है कोई नेमत से अगर हम महरूम है दुनिया में तो अल्लाह ताला उसका बदला हमें आखरत में अता फरमाएगा अल्लाह ताला उसका बदला हमें जन्नत में देगा अल्लाह ताला उस दुनिया से जाने के बाद अता फरमाएगा इसलिए घबराना नहीं चाहिए और ये हदीस हमेशा सामने होना चाहिए जो हजरत अबू हर की रवायत है सही मुस्लिम की रवायत है दुनिया व जन्नतुल काफिर दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है दुनिया में मोमिन अगर है तो उसको बहुत सारे मुश्किल से मसायब से परेशानियों से इब्तला से आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा और गुजरता है और बहुत सारी नियमतों से महरूम भी होता है बहुत सारी नेमतें उसको अल्लाह तला अता भी करता देता भी है लेकिन आखरत की जिंदगी उसकी जो होगी अब्दुल अबाद की जिंदगी होगी हमेशा की जिंदगी होगी वहां वो किसी चीज से मोमिन जो है महरूम नहीं होगा अल्लाह ताला उसको आला फरमाएगा अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला फरमाएगा और इसी तरह से जो काफिर है दुनिया ही में रह करके अल्लाह ताला उसको उसकी नेकी का बदला अता कर देता है दे देता है अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता कोई ये ना कहे कि अल्लाह ताला दुनिया में उसको उसका बदला नहीं दिया अल्लाह ताला दुनिया में उसको बदला दे करके मामला बराबर सराबर कर देता है तो दुनिया में उसको मिल गया लेकिन आखरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है जो काफिर होगा दुनिया में मिला जरूर आखिरत में वो महरूम होगा सिवाय नाकामी के सिवाय महरूमी के सिवाय अफसोस के उसके हाथ कोई चीज आने वाली नहीं है तो अजीत साथ और दोस्तों जो लोग मोमिन हैं उनको नसीहत पकड़ना चाहिए सबक हासिल करना चाहिए कि एक ऐसी दुनिया एक ऐसी चीज़ है जो एकदम फना होने वाली है ख़त्म होने वाली है हकीर है इसकी कोई हैसियत अल्लाह रब्बुल रबालमी के नज़दीक नहीं है हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए आखिरत की तैयारी जो हमेशा रहने वाली जिंदगी है अब्दुल आबाद की जिंदगी है वहाँ इन जब आप जाएंगे तो अल्लाह ताला दुनिया की बहुत सारी नियमतें जो आपको यहाँ नहीं मिली अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ आपको अता करेगा और देगा अल्लाह हरबुल आलमी से दुआ है अल्लाह तौल हम सबको कुरान सुनत का पाबंद बनाए और जो कुछ हमने कहा आपने सुना है उस पर अमल करने की तौफीक दा फरमाए अल्लाह ताला जिन नेमतों से हमें यहाँ महरूम कर रखा है अल्लाह ताला उसका बदल बदल अल्लाह ताला आखरत में अतः फरमाए और दुनिया में भी अल्लाह ताला नेमतों से हमें माला माल फरमाए दुनिया और आखरत दोनों अल्लाह ताला भलाई के साथ दे आमीन आलमीन अलैकुम व आलिकम व वक्